हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ना आप लोगों को ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ। जैसे मैंने जन्माष्टमी पर ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल जी की, केशव लड्डू और माधव की, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जस्ट ड्रेस बनाने बैठी ही थी, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये ड्रेस बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है। ये एक सर्कल जो है वो मैंने ड्रॉ करके और कट कर लिया है। तो आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए ना, उतना बड़ा आप एक बुकरम पर जो है वो सर्कल कट कर लें। अगर आपके पास कोई पुरानी ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की, जैसे केशव के साइज़ की पुरानी कोई गोल्ड ड्रेस ऐसी है, तो आप वो ड्रेस रख के बुकरम पे जो है वो ऐसे पूरा ड्रॉ करके और कट कर लीजिएगा। तो मैंने काफ़ी बड़ा घेरा कट कर लिया है। ये जो बुकरम है आप देख सकते हैं, एक तरफ से इसमें शाइन है और दूसरी साइड से ये एकदम प्लेन है। तो जिस साइड से इसमें शाइन है ना, उस पर हम कपड़ा जो है वो पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे और इसके पीछे से जो है वो प्रेस मार देंगे। अगर कपड़ा हमारा कॉटन का है या कुछ ऐसा है जिसपे हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, तो हम कपड़े के ऊपर से प्रेस करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि कपड़ा का जो अंदर वाला उल्टा वाला साइड होता है वो हमें इसकी तरफ रखना है, चिकने पार्ट की तरफ, और जो मेन बाहर का साइड होता है वो बाहर की साइड रखना है। तो हम उस पर प्रेस कर देंगे तो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। लेकिन मेरा कपड़ा क्या है कि थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो मैं इसके बैक साइड से प्रेस करूँगी या फिर कोई उसके ऊपर कपड़े के ऊपर कोई फैब्रिक रख के करूँगी। तो मैंने ऐसे तीन सर्कल जो है वो ये देखिए कट कर लिए हैं। ये लड्डू का है और ये माधव का है, मतलब ये चार नंबर लड्डू गोपाल जी का है, चार से पाँच नंबर को आ जाएगा, और ये दो से तीन नंबर के लड्डू गोपाल जी का है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ फैब्रिक कि कैसा कपड़ा जो है वो मैंने लिया है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का मेहरून नहीं डार्क रेड से कलर में इस तरीके का कपड़ा है, जैसे जन्माष्टमी पे ब्लैक था ना, उसी में का ये दूसरा शेड है, दूसरा कलर है। तो ये मैंने लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें पूरा सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर से प्रेस नहीं कर सकते, और ये वेलवेट भी है इस चक्कर में हम और इसके ऊपर से हम प्रेस नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने आपको चिकना वाला पार्ट दिखाया है, ये चिकना वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमें ऐसे कपड़ा रखना है। कपड़े को मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, कपड़ा सीधा बिछा कर उस पर हम पहले बुकरम पेस्ट कर लेंगे। जब पेस्ट हो जाएगी ना तो ईजिली हम उसको कट कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही कपड़ा कट कर लेंगे तो क्या होगा कि खींचा तानी में कभी कभी ऊंचा नीचा रह सकता है, इसलिए मैं पहले से कपड़ा कट नहीं करती हूँ। इसको इस तरीके से जो है हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए कपड़े का उल्टा साइड जो है वो हमें चिकनी साइड में रखना है, ऐसे जो है वो हम इसको पूरा पेस्ट कर लेंगे। मैं इसमें पीछे के साइड से जो है वो प्रेस करने वाली हूँ जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। पहले मैं तीनों कपड़े अच्छे से चिपका लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हमें कैसे क्या करना है। तो देखिए मैंने पूरा कपड़ा जो है वो इसमें पेस्ट कर लिया है। ये पीछे बुकरम है और ये कपड़ा है, अच्छे से जो है वो पूरा देखिए पूरा गोल पूरा पेस्ट हो गया है। ये मैंने कर लिया है लड्डू का और ये मैंने कर लिया है माधव का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे किनारे पे जो है वो सिंपल सिलाई लगा लेंगे जिससे ये मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रेस से चिपकाया है कभी भी छूट सकता है। तो सिर्फ प्रेस के भरोसे ना रहें, इसमें पूरे किनारे पर जो है वो एक गोल सिलाई लगा लें। तो मैं जल्दी से तीनों में जो है वो सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने जो है इस पर सिलाई लगा ली है, आपको ये दिख रहा होगा। तो मैंने इसमें सब तरफ जो है पूरे किनारे पे तीनों कपड़े में जो है वो सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे इस तरह से करना है फोल्ड, फिर एक बार हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये जो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है फोल्ड। अब हमें यहाँ पे लगाना है कट। तो आपके लड्डू गोपाल जी का जितना बड़ा भी घेरा हो उस हिसाब से आप जो है वो कट लगा लें। तो मैं यहाँ पे एक इंच पे जो है वो कट लगा लेती हूँ। इतना बड़ा जो है वो ये घेरा हमने काट लिया है। इसको अभी हमें क्या करना है कि मुझे ठीक लग रहा है कि इतना बड़ा घेरा ठीक है,
अब मैंने ये काट लिया है, इस पे हम चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा देंगे, क्योंकि कपड़ा हमने प्रेस किया है ना तो ये बीच से उतना अच्छे से नहीं चिपका हुआ है, तो हम इसमें लगा देंगे यहाँ पे सिलाई। देन उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है ना एक यहाँ पे फोल्ड करते टाइम जो आ गई थी, उसको हम ऐसे बीच में से कट कर लेंगे, तो हमारा ये अलग हो जाएगा, पूरा पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इसमें करना है। केशव के लिए 2 इंच का घेरा, पहले से हम बहुत बड़ा कट नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा हो गया तो छोटे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहले मैं छोटा ही कट लगाऊंगी। तो मैं ले रही हूँ 2 इंच का। छोटा महसूस हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगी। घेरा, अब मैं इस पे पहले सिलाई मार दूंगी, देन उसके बाद बीच से कट लगाऊंगी। लगा ली है, अब मैं इसमें जो है वो ये लाइन जो दिख रही है यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। केशव के लहंगे में पहले हमें कट कर लेना होगा, उसके बाद हम पूरे में जो है वो सिलाई लगाएंगे, क्योंकि उनका घेरा जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, मशीन में जो आएगा नहीं, इसलिए पहले हम कट लगा लेंगे। तो मैंने तीनों जो है वो तैयार कर लिए हैं, और तीनों जो है वो देखिए साइड से भी सिल दिए हैं और सर्कल वाले साइड से भी सिल दिए हैं। अब हमें इसकी साइड जो है वो इस तरीके के टिशू टेप जो होता है, लेस बोलते हैं टिशू के होते हैं, इसको इससे जो है वो उसको लॉक कर देंगे, मतलब इसके फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देंगे जिससे इसकी किनारी जो है वो अच्छे से पैक हो जाए, वरना रेशे वगैरह निकलते हैं, देखने में भी सुंदर नहीं लगती है। तो मैंने तीनों लहंगों में जो है वो इस तरीके से तीनों ड्रेसेस में देखिए लॉक कर दिया है अच्छे से,
और अब जो है वो केशव के में भी मैंने पूरा अच्छे से लॉक कर दिया है। और आप पतले वाला जो छोटा ड्रेस है उसमें पतला टिशू ले सकते हैं, बड़े वाले ड्रेस में चौड़ा टिशू ले सकते हैं। अब हमें बनाना है इसका नेफा, तो मैं तीनों के लिए नेफा बनाने वाली हूँ, तो वो मैं पूरा डिटेल में शेयर नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों को आता ही होगा। तो ये वेलवेट का किनारे का कपड़ा था, जो कि साइड्स होती है ना कपड़े की, वो थी, वो मैंने पट्टी कट कर ली है। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना चौड़ा जो है वो कट कर सकते हैं। मैं पहले लंबी पट्टी जो है वो मैंने कट कर ली है, अब इसमें से मुझे जितना लगेगा उतना मैं लगा दूंगी। सीधे की तरफ सीधा रख के हमें इस तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है सब तरफ से, मतलब पूरे घेरे पे। देन उसके बाद फोल्ड करके जो है वो हम इसको अच्छे से सिल देंगे, तो हमारा नेफा बनके जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको केशव की ड्रेस में थोड़ा सा लगा के बता देती हूँ, क्योंकि अगर सारे ड्रेसेस में लगाऊंगी ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो बस इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा रख लेंगे और घेरे में पूरा कपड़ा घुमा घुमा के, मतलब ड्रेस को घुमा घुमा के हम अच्छे से जो है वो इसको पूरा सिल देंगे। ड्रेसेस में जो है वो नेफा लगा लिया है और देखिए इस तरीके से पूरा जो है वो लग गया है। आप चाहें तो कपड़ा दूसरा भी ले सकते हैं अगर इसमें नहीं बच रहा है तो, लेकिन लीजिएगा सेम कलर का ही, वरना बहुत ऑड लगेगा। तो बस लहंगे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको केशव का ब्लाउज बनाना बता देती हूँ, बाकी सबका तो सिंपल चोली होता ही है। तो ये मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, 10 इंच जो है वो हम इसमें ले लेंगे लंबाई और 7 इंच जो है वो लेंगे चौड़ाई। तो मैंने अभी ये अस्तर पे आपको कट करके बता रही हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है वो बहुत कलरफुल सा है ना, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, चोली में अस्तर लगेगा ही लगेगा। तो मैं बहुत सिंपल सी चोली आप लोगों को बता रही हूँ आज कट करना। तो 10 इंच जो है वो मैंने ले ली है लंबाई, और कपड़े को मैंने करा है डबल फोल्ड, मतलब अभी मैं आपको बता दूंगी, कपड़ा मैंने जो है वो फोल्ड कर रखा है और फिर उसके बाद मैंने जो है वो सिलाई लगाई है। अगर आप सिंगल कपड़ा लेते हैं तो 10 की जगह आप उसको 20 कर दीजिएगा, लेकिन कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके ही कट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। तो बस मैं जो है वो मार्क कर ले रही हूँ, 7 इंच मैंने जो है वो चौड़ाई ले ली है और अच्छे से जो है वो मार्क कर लिया है, जिससे लाइन जो है वो सीधी खींच जाए। देन लाइन खींचने के बाद जो है हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो जब कपड़ा, मतलब जब अस्तर कट हो जाएगा उसके बाद जो है वो मैं कपड़ा कट करूँगी। तो यही वाला कटिंग जो है ना वो सिंपली हम कपड़े के ऊपर रख देंगे और कट कर लेंगे, तो हमें दोबारा मतलब ऐसे नापना नहीं पड़ेगा, सीधे से पूरा अच्छे से कट हो जाएगा। तो फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। ये है हमारा मेन कपड़ा, इसको भी मैंने जो है वो उसी के साइज़ में फोल्ड कर लिया है, तो इसको मैंने डबल कर लिया है कपड़े को। और इसके ऊपर ये हम जो अस्तर हमने कट किया है उसको रख के, और हम उतना पीस जो है वो कट कर लेंगे 10 इंच और 7 इंच का, 10 इंच लंबाई है 7 इंच चौड़ाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसको रख के जो है वो हम कट कर लेंगे, तो हमारा सीधा सीधा कपड़ा जो है वो कट हो जाएगा। फिर जब हमारा कपड़ा दोनों साइड से, मतलब हम इसको दोनों पीस जो है वो कट कर लेंगे, तो अस्तर वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम उसमें अटैच कर लेंगे, सिंपली सिलाई जो है वो चारों तरफ से लगा देंगे पूरे कपड़े में। तो देखिए ये हमारे दो पीस बनके तैयार हो गए हैं। तो हमें इस तरीके से जो है वो पूरा सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से, इसको लॉक कर लेना है। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। कपड़े पे सिलाई जो है वो मैंने चारों तरफ से लगा ली है, अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो फोल्ड वाला हिस्सा है, मतलब जो फोल्ड आपको दिख रहा है ऊपर के साइड में,
उसकी तरफ हमें गले का निशान लगाना है, जो नीचे की तरफ खुला हुआ वाला हिस्सा है उसकी तरफ नहीं लगाना है, वरना आपका कपड़ा जो है ख़राब हो जाएगा अगर आपने गलत कट कर लिया तो। नीचे के साइड का जो पोर्शन है वो खुला होता है, ऊपर का पोर्शन जो है वो बंद वाला होता है, मतलब जहाँ से हमने कपड़ा फोल्ड किया था। तो यहाँ हम मार्क कर लेंगे, तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ गले के लिए, और आपको अच्छे से दिखा भी रही हूँ कि कैसे मार्क कर रही हूँ। और चौड़ाई जो लेंगे वो लेंगे लगभग 2.25 इंच करीब, तो 2 इंच से थोड़ा सा ऊपर, 2.25 करीब ले लेंगे चौड़ाई। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जाएगा आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो ठीक बन जाता है, डोरी वोरी पीछे जब हम लगा देते हैं तो अच्छे से बैठ जाता है। तो बस इसको हम जो है वो अभी स्क्वायर बना लेंगे, देन उसके बाद जो है हम इसको गले का जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए पास से मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ कि कितना लिया है मैंने। अब बस हम अंदाज से ही जो है ना वो लगभग अब 1/2 इंच पे ऐसे एक ड्रॉ कर लीजिएगा सर्कल सा, हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैं तो ऐसे अंदाज से कर लेती हूँ, उतना ज़्यादा नाप तोल नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो हो जाता है। बस अब हम इसको ऐसे ही सिंपली कट कर लेंगे, तो हमारा गला जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। और ये हम वैसा बना रहे हैं ब्लाउज जो कि साइड से ओपन रहता है, पूरा आस्तीन वाला नहीं बना रही हूँ मैं, तो बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं। आस्तीन वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इवन मैंने आपको वो भी बताया है। अभी ये जो है देखिए गला बनके हमारा तैयार हो गया है, तो पहले मैं ना इस पे गले पे पूरे पे सिलाई लगा लूँगी, देन उसके बाद बीच से कट करूँगी जो पीछे का हिस्सा होगा वहाँ से। तो सिंपली जो है वो हमें गोल गोल घुमाते हुए गले पे जो है वो पूरा सिलाई लगा लेनी है। देन उसके बाद एक साइड क्योंकि हमें खुला रखना है, तो हम पीछे का साइड जो है ना उस पे हम सीधा कट लगा लेंगे, मैं अभी आपको बता दूंगी आगे। और उसके बाद वहाँ पर भी जो है हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली चोली बनाना बहुत आसान होता है, आप इसमें अपनी तरीके से लेसेस वगैरह कुछ भी जो है वो लगा सकते हैं। मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब एम्ब्रॉयडरी वाला है, इसलिए मैं उसमें कुछ तामझाम नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से बस हम सिलाई लगा ली है, फोल्ड कर लिया है लंबा लंबा कपड़ा, और पीछे वाले साइड से जो है कोई भी पीछे का पार्ट हो सकता है, जिधर आप कट लगा लें वो हमारा पीछे का पार्ट जो है वो बन जाएगा। मैंने कट कर लिया है और देन उसको भी अच्छे से लॉक कर लिया है, क्योंकि अस्तर अलग और कपड़ा अलग अलग था। तो देखिए अच्छे से पूरा बन गया है। ये वाला पतला वाला टिश्यू लूँगी मैं, और ये पूरे कपड़े में मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़ना है, गले पर, साइड पर, पीछे के साइड में, सब जगह जो है वो इससे हम लॉक कर देंगे। तो ये मैंने देखिए कर दिया है लॉक, और ऊपर लगा दी है एक सुंदर सी लेस गले पे, ये मेरी इतनी सी ही पड़ी हुई थी। आपके पास होल लगा दो, नहीं हो मत लगाओ। तो हमारा ड्रेस जो है वो बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।